हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। और ये थर्ड वीडियो है बैंकिंग कोर्स की। इससे पहले दो वीडियो एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, और ये कंप्लीट बैंकिंग कोर्स आने वाला है आपके पास। प्रिंट आउट आप निकाल के इसके बेस सोर्स बना सकते हो। ये मल्टीपल सोर्सेज से मैंने पूरी इंफॉर्मेशन इसमें गैदर करके लिखी है। रिटर्न, GDPI तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे PO या क्लर्क, SBI, IBPS, RRB और इसी तरह के RBI ग्रेड बी वगैरह जो भी सिमिलर पैटर्न पे एग्जाम है, सबके लिए यूजफुल है। वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉपिक जो कवर होंगे वो ये सारे कवर होने वाले हैं। यूनिट बैंकिंग, नैरो बैंकिंग वगैरह वगैरह सारे के सारे, इनको रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले अपना टॉपिक उठाते हैं यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग के नाम से हमेशा जो आप जो भी टर्मिनोलॉजी निकालते हो या ढूंढते हो, जो समझते हो उसके मीनिंग को समझो। एक्चुअली होता क्या है, मीनिंग समझ आ गया ना तो आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा। रट्टा मार लोगे वो आपको रिटेन नहीं करेगा। यूनिट मतलब सिंगल, और सिंगल ब्रांच होती है यूनिट बैंकिंग में। बहुत छोटा बैंक होता है बट इंडिपेंडेंट होता है, कोई ऊपर इसके हेड ऑफिस, मेन ऑफिस, हेडक्वार्टर ऐसा नहीं होता। एंड जनरली इट परफॉर्म्स विदाउट एनी बैंक और ब्रांच। इसका ना तो कोई और बैंक होता है ना ब्रांच होती है। क्यों किया जाता है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटी, जहां पे ये बैंक है उस लोकल कम्युनिटी में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और इस बैंक की जियोग्राफिकल एरिया जो है वो काफी लिमिटेड होता है, मतलब एक लिमिट तक ही ये, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। बट ये कॉन्सेप्ट अपने यहाँ की नहीं है, ये USA की कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे जो भी ब्लॉक बना रखा है एरिया का, उस एक पर्टिकुलर ब्लॉक को सर्व करता है ये। और अगर कोई ब्रांच है भी, मान लो एक दो अगर ब्रांच है, तो उसी सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो ब्रांच होगी। इसका पर्पज क्या है, क्यों किया जाता है? टू सर्व द लोकल कम्युनिटी नीड्स। जैसे इंडिया में RRB से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, RRB को रूरल एरिया में एक ब्रांच खोली जाती थी, और उसका काम होता था कि अपने दाएं बाएं का एक जो भी लिमिटेड एरिया आपकी ब्रांच को दिया गया है उसको आप सर्व करो। ये हो गया यूनिट बैंकिंग, कोई डाउट नहीं। पैरा बैंकिंग पे चलते हैं। पैरा मिलिट्री, पैरा इससे आप वर्ड को ना थोड़ा सा निकाल सकते हो कि मिलिट्री से बियॉन्ड जो होता है वो पैरा मिलिट्री होता है। उसी तरह से एक्टिविटीज ऑफ द बैंक बियॉन्ड डे टू डे ऑपरेशंस लाइक डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड लोन। ये बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं। डिपॉजिट लेते हैं आप, उनको विड्रॉ करने का ऑप्शन देते हो और लोन भी देते हो आप। ये तीनों काम ही बेसिकली करते हो। इसके बियॉन्ड जो आप काम करते हो दैट इज पैरा बैंकिंग। जैसे इंश्योरेंस का जो बिजनेस है दैट इज पैरा बैंकिंग, म्यूचुअल फंड पैरा बैंकिंग, वेंचर कैपिटल फंड पैरा बैंकिंग। अब इसमें आगे और क्या क्या हो सकता है? पेंशन फंड मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो पैसे को मैनेज करना है दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये जो एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि बैंक अपने से डिसाइड कर लेता है कि जी मैं ये काम और करूंगा बैंकिंग के साथ। RBI आपको परमिशन देती है बैंक्स को, तब आप ये कर पाते हो। ये आप डायरेक्टली अपनी ब्रांच से करवा सकते हो या फिर सब्सिडरी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड। SBI का ही है बट प्राइवेट फंड, पेंशन फंड को मेंटेन करने के लिए अलग उसने एक अपनी सब्सिडरी क्रिएट कर दी। तो आप पैरा बैंकिंग जो अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी करवा सकते हो। क्यों करवानी पड़ती है पैरा बैंकिंग, या क्यों आई है? टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द बैंक, ताकि बैंक का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। जितने मोड्स देखिए, एम्प्लॉयज आपके पास फिक्स है, ब्रांच आपके पास फिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स है, सब कुछ है। तो और सिमिलर एक्टिविटी करके अगर आप बेटर रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, तो आप बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हो, सेम रिसोर्सेज से आउटपुट ज्यादा निकाल ली, तो इसलिए पैरा बैंकिंग पॉपुलर हुआ। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं, ब्रांच बैंकिंग। देखिए ये तो मोस्ट कॉमन टाइप है, जो आजकल आप बैंक देखते हो, बैंक की ब्रांचेस देखते हो, वो ब्रांच बैंकिंग है। बेसिकली बैंक का जो बिजनेस है ना वो ब्रांच लेके आती है। ब्रांच अपने लोकल ऑफिसेज में रिपोर्ट करती हैं, या सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस, दो जो भी बैंक का नोमनक्लेचर है, वहां से हेड ऑफिस तक जाता है। इस तरह से ये ब्रांच का नेटवर्क चलता रहता है, हेडक्वार्टर देन नेटवर्क ऑफ ब्रांच, और ब्रांच जो है वो फेस ऑफ द बैंक बनता है। आप SBI के हेडक्वार्टर को नहीं जानते, पर आप अपने एरिया में जो SBI की ब्रांच है, नियरेस्ट ब्रांच है, आप उसको जरूर जानते हो। तो बैंक का फेस बन जाती है बैंक की ब्रांच। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है जी मिक्स्ड बैंकिंग। थोड़ा सा नाम से रिलेट करो, मिक्स्ड बैंकिंग मतलब कोई दो तरह की एक्टिविटी है उनको मिक्स किया गया है। डुअल फंक्शन, डुअल फंक्शन ऑफ व्हाट?
कमर्शियल बैंकिंग का और इन्वेस्टमेंट या फिर इंडस्ट्री बैंकिंग का, ये दोनों काम ही बैंकिंग कर रहा था। रिसेंटली जो सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर हुआ है वो भी मिक्स्ड बैंकिंग किया करता था। अब उसमें चलते हैं आगे कि कमर्शियल बैंकिंग में क्या होता है। डिपॉजिट एंड लोन्स एंड विड्रॉल्स, वही जो कमर्शियल बैंकिंग है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, आप लॉन्ग टर्म लोन देते हो इंडस्ट्री को और उनमें इन्वेस्ट भी करते हो, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, उनके डिबेंचर्स में, किन के, यंग कंपनीज के, नई कंपनीज का, या फॉर दैट सेक पुरानी कंपनीज के भी। जैसे SBI अगर कल को अडानी में इन्वेस्ट भी कर दे, अडानी को लोन भी दे दे, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वाई, क्यों लेके आया जाता है मिक्स्ड बैंकिंग को, ताकि स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। इंडस्ट्री अपने साथ बहुत कुछ लेके आती है, डेवलपमेंट लेके आती है, सबसे पहले जॉब्स लेके आती है, GDP बढ़ाती है, लाइफस्टाइल बढ़ाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को रेज करती है, सप्लाई को बढ़ाती है, बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री अपने साथ लेके आती है। तो हर कंट्री ये कोशिश करता है कि बैंक्स उसकी इंडस्ट्री में पैसा लगाए, इंडस्ट्री उस कंट्री की ग्रोथ में पैसा लगाए। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। ये कहाँ चला था, जर्मनी और जापान, दोनों ही इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं। तो समझ सकते हो कि जहाँ मिक्स बैंकिंग को प्रमोट किया जाता है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है। अब चलते हैं जी अगली कॉन्सेप्ट पे, यूनिवर्सल बैंकिंग। नाम से थोड़ा समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सल के दो मतलब होते हैं, या तो पैन वर्ल्ड, या फिर होता है उस डोमेन में आप सारी चीजों को कवर करते हो। बैंक अंडरटेक करते हैं मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज। आप कह रहे हो जी ये तो मिक्स्ड बैंकिंग सा लग रहा है, नहीं, ये मिक्स्ड बैंकिंग से थोड़ा बियॉन्ड की बात है। यहाँ पे बैंक कमर्शियल बैंकिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आ जाते हैं, मर्चेंट बैंकिंग भी करते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में भी कूद जाते हैं। मतलब जो भी बैंकिंग, फाइनेंस और फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डाल दिया जाता है कि भाई ये सारे काम करो। जो बैंक इस तरह की एक्टिविटी करेंगे उनको आप यूनिवर्सल बैंक कह सकते हो, या फिर इस प्रोसेस को यूनिवर्सल बैंकिंग कह सकते हो। चलिए अगले पे चलते हैं, चेन बैंकिंग। देखिए चेन बैंकिंग से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि आप एक चेन क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैकडी की चेन है, इस तरह से चेन क्रिएट करते हैं, जैसे बैंक की ब्रांच है। बट चेन बैंकिंग थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, ये पहली बात तो बैंक गवर्नेंस का एक तरीका है, जहां पे कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी कंट्रोल ले लेती है किस चीज का, एटलीस्ट 3 बैंक्स विच आर इंडिपेंडेंटली चार्ज्ड। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लो CBI है और यूनियन बैंक है और मान लो कैनरा बैंक है, इनको एक बार के लिए प्राइवेट बैंक मान लेते हैं। कोई एक बंदा आता है, वो यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर देता है, यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर लेता है और यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर देता है। अब CBI की जो ब्रांचेज हैं वो CBI के तहत काम कर रही हैं, यूनियन बैंक की ब्रांचेज यूनियन बैंक के अंडर काम कर रही है, और कैनरा बैंक की कैनरा बैंक के अंडर। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, बट द ओनर हैज इन्वेस्टेड इन ऑल दीज 3 बैंक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंटली चार्ज बैंक है, चार्टर्ड आएगा यहाँ पे, चार्ज नहीं, इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड बैंक है, उनके अंदर वो इन्वेस्ट करता है। ब्रांच बैंकिंग से आप इसको रिलेट नहीं करोगे, ये ब्रांच बैंकिंग नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ओनर हैं, जैसे कि CBI, यूनियन वगैरह, बट उनके अल्टीमेट ओनरशिप में किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्यों करते हैं ये सब, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए किया जाता है, ताकि जो बंदा है अपना जो पैसा है वो किसी एक पर्टिकुलर बैंक में लगा देगा। मान लो किसी बंदे ने सिलिकॉन वैली बैंक में ज्यादा पैसा लगाया हुआ था, जैसे एलन मस्क ने लगा दिया। अब सिलिकॉन वैली बैंक कल डूब गया तो उसका पैसा तो डूब गया, बट अगर अच्छी अप्रोच ये होती, उसने सिलिकॉन वैली बैंक में भी लगा दिया होता, उसने SBI में भी लगा दिया होता, उसने मान लो यूनियन बैंक में भी लगा दिया होता, तो कोई एक डूबता, सारे के सारे नहीं डूबते। चलिए अगली कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अगली कॉन्सेप्ट है जी आपकी होलसेल बैंकिंग। अगेन आप अपनी टर्म से रिलेट करो चीजों को। होलसेल का मतलब क्या होता है, पहले मैन्युफैक्चरर होता है वो, उसके बाद होलसेलर होता है, और उसके बाद रिटेलर होता है। यहां से जो भी बनता है वो होलसेलर के पास चला जाता है। होलसेलर इंडिविजुअल कस्टमर को सर्व नहीं करता, वो रिटेल में मल्टीपल कस्टमर्स को दे देता है, रिटेलर आगे फर्दर उसको सेल करता है। तो उसी तरह से जो बैंक ये काम कर रहा है, रादर देन की रिटेल बैंकिंग कर रहा है, उसको हम होलसेल बैंकिंग कहेंगे। बिल्कुल सिमिलर है उसी कॉन्सेप्ट के, बैंकिंग सर्विसेज सोल्ड टू लार्ज क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स। अगर इसको अगर आप बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड होलसेल बैंकिंग।
जैसे कि किसी और बैंक को सर्विस दे रहे हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसी को, या फिर कोई रियल एस्टेट डेवलपर्स है, जैसे कि डीएलएफ के साथ आपने कोई डील कर ली, लार्ज कॉरपोरेशन जैसे अडानी ग्रुप के साथ आपने डील कर ली, इसको बोला जाता है होलसेल बैंकिंग। बट ऐसा नहीं कि होलसेल बैंकिंग जो करते हैं वो रिटेल नहीं करते, रिटेल बैंकिंग के साथ साथ होलसेल बैंकिंग किया जाता है। रिटेल का फोकस किस पे होता है? इंडिविजुअल नीड्स पे, स्मॉल बिजनेसेस पे, और होलसेल की का फोकस किस पे होता है? ऑन ग्रुप्स, ऑन लार्ज क्लाइंट्स, ऑन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये होलसेल बैंकिंग के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अंडरराइटिंग, मार्केट मेकिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, फंड मैनेजमेंट, होलसेल फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें होलसेल बैंकिंग के अंडर आते हैं। चलिए जब आगे चलते हैं रिलेशनशिप बैंकिंग के ऊपर। अगेन टर्म से समझो, रिलेशनशिप किस पे चलता है? ये अंडरस्टैंडिंग डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होती है। रिलेशनशिप बैंकिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड। आप पहले कस्टमर को टारगेट करते हो, उसकी नीड को समझते हो, अपने कस्टमर को ही, एंड अकॉर्डिंगली यू ऑफर बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट नीड ऑफ द कस्टमर। समझ रहे हो आप? चलिए अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगली कॉन्सेप्ट है कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। ठीक है, कोरेस्पोंडेंट का अगेन मतलब निकालो। कोरेस्पोंडेंट का अगर मीनिंग देखोगे तो इट इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स न्यूज और राइट आर्टिकल्स फॉर अ न्यूज़पेपर एटसेट्रा, स्पेशली फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। समझ रहे हो? जैसे ANI या DD वाले, या फॉर दैट सेक जी न्यूज वाले USA में अपना कोई कोरेस्पोंडेंट बना देते हैं जो वहां की न्यूज जी न्यूज के लिए कवर करता है। समझ गए? USA की न्यूज जी न्यूज के लिए कवर करेगा, तो उसको कोरेस्पोंडेंट बोला जाता है। सेम वे में जब एक बैंक डिपॉजिट्स या बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द अदर बैंक, और स्पेसिफिकली वो बैंक जो वहां पे नहीं है, तो वो जो सर्विस देने वाला बैंक है वो कोरेस्पोंडेंट बैंक बन जाता है दूसरे बैंक के बिहाफ पे। ठीक है, इसको कोरेस्पोंडेंट बैंक। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये कोई क्लाइंट है बैंक ए का। ठीक है, बैंक ए और बैंक बी के बीच में, ये एक एग्जाम्पल है, ये अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, बैंक ए का बैंक बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो एक बीच में कोरेस्पोंडेंट बैंक आ जाता है जो बैंक ए के बिहाफ पे बी के साथ ट्रांजेक्शन करता है। समझ गए? मतलब कि मेरे बिहाफ पे कोई और बंदा मेरी सर्विसेज किसी और को देगा, तो जो बीच में बंदा है दैट बिकम्स द कोरेस्पोंडेंट बैंक। अब चलते हैं जी, सिमिलर कॉन्सेप्ट है एक इंडिया में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, ये लेके आइए, कई बार ये भी पूछ ली जाती है इसलिए यहीं कवर कर लेंगे इसको। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द बैंक ब्रांच, मतलब बैंक ब्रांच की ही एक्सटेंडेड आर्म है ये, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। समझ रहे हो? इन कहां ये प्रोवाइड करवाएगा? इन अनबैंक्ड, जहां पे बैंकिंग उतनी ज्यादा है नहीं, फैसिलिटी नहीं है, या फिर अंडर बैंक्ड, कंपेरेटिवली बैंकिंग सर्विसेज कम है, वहां पे ये बैंक ब्रांच के बिहाफ पे ये BC काम करेगा। ठीक है, क्यों ये कॉन्सेप्ट लेके आई गई? क्योंकि ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच, जो ब्रांच आप देखते हो वो बहुत ही हाई एक्सपेंसेस होते हैं, उसके साथ बिल्डिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, स्टाफ, कंप्यूटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक ब्रांच के साथ आ जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट जो उस एरिया में रहता है वो बैंक के बिहाफ पे बैंक की ट्रांजेक्शंस वो कंडक्ट करता है, वो बैंक उसको राइट देता है। क्या क्या सर्विसेज? जैसे कि ट्रांसफर हो गया, डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल्स हो गए, या फिर इंक्वायरी होगी कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, सो एंड सो चेक लग गया है, नहीं लगा है, ये आपने काम करवाया था, हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब बैंक के बिहाफ पे बैंक के कस्टमर्स को वो सर्व करता है। ठीक है, अब चलिए अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, रूरल बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग जब सर्व करता है स्मॉल रूरल कम्युनिटी या एरिया को, तब उसको रूरल बैंकिंग कहते हैं। जैसे कि अपने यहाँ RRB की कॉन्सेप्ट है। इंडिया में 65 to 70% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में रह रही है, वहां तक अगर बैंकिंग की सर्विसेज नहीं गई तो कंट्री एज अ होल डेवलप नहीं हो सकता। सिटीज की अपनी एक लिमिट है कंट्री को आगे पुश करने के लिए, उसके बियॉन्ड रूरल एरिया को आना पड़ेगा। और ये आया किस लिए था? टू सर्व क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल स्ट्रेटा, जो निचला तबका है गांव देहात का, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो बैंकिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड रूरल बैंकिंग। PACS भी यही काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी यही काम कर रहे हैं। अब चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट पे, नैरो बैंकिंग। नैरो से समझ गए होगे कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर काम हो रहा है, नैरो वे में जा रहे हैं हम।
ये अपोजिट है यूनिवर्सल बैंकिंग के। यूनिवर्सल बैंकिंग अभी समझाया था जो सब कुछ करता है, तो नैरो बैंकिंग क्या करेगा, बिल्कुल लिमिटेड काम करेगा। इसी को सेफ बैंकिंग भी कहा जाता है। नैरो बैंक इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग जहां पे एक बैंक इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, इन्वेस्ट इट्स मनी इन रिस्क फ्री एसेट, मतलब वो लोन्स में और पर्टिकुलर रिस्क एसेट में इन्वेस्ट नहीं करता डिपॉजिटर के पैसे को, वो कहाँ लगाता है, लिक्विड और सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाता है। किसके पैसे को, डिपॉजिटर से पैसे को। बैंक के पास अपना पैसा तो होता ही नहीं है, जो लोगों ने डिपॉजिट किया उस पैसे को या तो लोन दे दो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दो। गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ है, लोन्स जो है कंपैरेटिवली रिस्की हैं। तो नैरो बैंकिंग वो है जब उस पैसे को उठा के आप गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा देते हो। इट प्रिवेंट्स असेट लायबिलिटी मिसमैच, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक के केस में हुआ है। हालांकि वो हुआ इसलिए कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस कर लिया था उन्होंने। और अगर इस पे वीडियो देखनी है तो सिलिकॉन वैली बैंक को डिटेल में कवर किया है, 20-22 मिनट की वीडियो है, देख लीजिए, काफी सारी कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। ये ALM जो मिसमैच होता है बेसल नॉर्म के तहत, तो उसको मिसमैच होने से रोकता है। और इंडिया में तारापोर कमेटी है जिसने NPA के सॉल्यूशन के तौर पे नैरो बैंकिंग को ऑफर किया था। इस कमेटी ने और क्या क्या किया था डिटेल में कभी और बात करेंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा। सोशल बैंकिंग नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, सोसाइटी सोशलिस्टिक उस तरह की अप्रोच है। पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन जो है इंडिया का या किसी भी कंट्री का फॉर दैट सेक, वो बैंकिंग से दूर रह जाता है, और जो कि वेल ऑफ लोग हैं वही बैंकिंग का एडवांटेज लेते रहते हैं। तो सोशल बैंकिंग किस लिए आया, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हाशिए पे जो लोग हैं बिल्कुल मार्जिन्स पे हैं उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। सोशल बैंकिंग इसकी अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। नेहरूवियन एरा में भी ये चीजें हमें देखने को मिली थी, जब पब्लिक सेक्टर बैंक लेके आए गए प्राइवेट बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक को। एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग में ये टॉपिक पूरा डिटेल में कवर्ड है। फिर RRBI आए इसी चीज की कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने के लिए कि रूरल एरिया में क्रेडिट आए। कैसे होगी मगर सोशल बैंकिंग, आप क्रेडिट प्रोवाइड करोगे डेवलपमेंट नीड्स किनकी, मार्जिनलाइज सेक्शन की। इजी फॉर्मल क्रेडिट अवेल करवाओगे इनको, मिनिमम रिक्वायरमेंट दोगे अकाउंट ओपन करने के लिए, ईज ऑफ एक्सेस टू बैंकिंग जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ये बढ़ाओगे, सिंप्लीफाई करोगे प्रोसेस को। एक छोटा सा फॉर्म, मतलब पहले आपने देखा होगा आजकल बैंक का फॉर्म, बैंक अकाउंट खुलवाना 1 मिनट का काम है, एक फॉर्म होता है या तो ऑनलाइन भरवा लेते हैं या ब्रांच में भरवा लेते हैं। पहले 20 से 25 पेज का एक फॉर्म हुआ करता था जो आधे से ज्यादा बैंक के स्टाफ को नहीं पता होता था इसमें भरना क्या है। तो वो प्रोसेस आप अगर कस्टमर को दोगे तो उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करो। वर्चुअल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है दोस्त, वर्चुअल के नाम पे जाओ, वर्चुअल वो चीज होती है जो एग्जिस्ट तो करती है बट उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे कि मूवीज है, मूवीज दिखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं बट उसकी कोई फिजिकल टच तो नहीं है ना, आप उसको टच नहीं कर सकते। सेम वे इंटरनेट बैंकिंग को टच तो नहीं कर सकते बट बैंकिंग तो है, पैसा तो ट्रांसफर हुआ है। तो उसी तरह से इट इज बैंकिंग विदाउट एनी ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच। ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच होता है जब वो छपरा डाल के ब्रांच बैठ जाती है, यहाँ एक गार्ड बैठता है, अंदर पूरे का पूरा ऑफिस होता है, वो जो है ब्रांच को बोला जाता है ब्रिक एंड मोर्टार। ये सिर्फ लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं वर्चुअल बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग के साथ, ये बिल्कुल गलत है। इंटरनेट बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग बट इट इज नॉट ऑल ऑफ दी वर्चुअल बैंकिंग, ठीक है। उसमें क्या क्या कवर होगा, ऑनलाइन बैंकिंग जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग होगी, टेलीफोन बैंकिंग जब आप कॉल करते हो आपको बैलेंस पता चल जाता है दैट्स वर्चुअल बैंकिंग, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो आपके घर के पास आता है, बैंक नहीं है बट बैंकिंग की सर्विस आपको दे रहा है, बैंक साथी हो गया या कोई एजेंट हो गया बैंक के बिहाफ पे। ATM क्या है, कोई ब्रांच तो है नहीं बट आपने पैसे जमा भी करवा दिए निकलवा भी लिए, आपने अपनी पासबुक भी प्रिंट करवा ली बट बैंक तो नहीं है वहां पे। मेल के थ्रू आप जब बैंकिंग करते हैं, मोबाइल के थ्रू किसी मोड में बैंकिंग करते हो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू अगर आप कोई पेमेंट करते हो, ये सब के सब वो है जहां आप बैंकिंग एक्टिविटी तो कर रहे हो बट कोई बैंक नहीं है वहां पे, तो इन्हीं सब को कहा गया है वर्चुअल बैंकिंग, ठीक है। अब चलते हैं जी अगले पे, ग्रीन बैंकिंग। अगेन आप नाम से आइडिया लगाओ, ग्रीन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फंड्स, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन होता है इको फ्रेंडली के लिए। तो ग्रीन बैंकिंग क्या होगा, इको फ्रेंडली बैंकिंग या फिर इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग, इसके दो मतलब हैं। क्योंकि देखो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होती है, ये दो तरीके से यूज की जा सकती है।
ग्रीन बैंकिंग इसको भी बोल सकते हैं कि बैंक अपने ऑपरेशंस, जो बैंक अपना डेली वेज में काम कर रहा है उसको इस तरह से कंडक्ट करे कि लेस कार्बन फुटप्रिंट्स आए। जैसे कि बैंक की ब्रांच में एक डीजल जनरेटर डीजी सेट लगा हुआ था, उसको हटा के यहाँ पे वो सोलर पैनल लगवा दिया, लाइट जाएगी और यहाँ से इन्वर्टर सोलर पैनल के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेगा। दूसरा, वो जो पैनल है उन्हीं से डायरेक्ट सोर्सिंग करेगा इलेक्ट्रिसिटी की। तो हुआ क्या, आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उतनी आपने प्रोड्यूस कर ली, कार्बन फुटप्रिंट आपने कम कर दिया। दैट इज ग्रीन बैंकिंग इन वन वे। दूसरा क्या है, लेंडिंग प्रैक्टिसेस इस तरह से कर लो कि ग्रीन बैंकिंग हो जाए। कैसे, लेंडिंग या फाइनेंसिंग टू ग्रीन प्रोजेक्ट, सॉरी, ग्रीन प्रोजेक्ट को अगर आप फाइनेंसिंग कर रहे हो तो वो ग्रीन बैंकिंग के अंडर आती है। जैसे सोलर प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट किया, लोन दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपने लोन दिया। जैसे अब कुछ टाइम पहले से फेम, ये एक पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के को सब्सिडाइज किया गया था, विंड मिल्स को आप फाइनेंस करते हो, तो ये ग्रीन बैंकिंग का ही पार्ट आता है। इसमें बड़ा रोल क्या होता है, देखिए बैंक चलते हैं प्रॉफिट के ऊपर, तो अगर उनको प्रॉफिट ग्रीन बैंकिंग में नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ आता है सेंट्रल बैंक। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अपने कंट्री में फोर्स की जाती है, उसी तरह से सोलर में कितना पैसा देना है ये फिक्स करना सेंट्रल बैंक का काम है कि आप इतना दोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप इतना दोगे। तो ग्रीन बैंकिंग को प्रमोट करने में बड़ा हाथ सेंट्रल बैंक का है, ना कि बैंक इटसेल्फ। अब ये आया कहाँ से, ग्रीन मूवमेंट जो आजकल चल रहा है हर चीज में, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उसी तरह से ग्रीन बैंकिंग भी आ गई, ताकि फास्टर ट्रांजिशन हो सके ग्रीन एनर्जी में। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं अब, ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर क्या होता है, इसको जनरली यूज किया जाता है बियॉन्ड लैंड, जो लैंड बाउंड्रीज है उसके बियॉन्ड जो है उसको ऑफशोर बोला जाता है बेसिकली। तो बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्रीज को अगर आप लांग जाते हो तो ऑफशोर बन जाता है। जैसे ऑफशोर बैंकिंग किसको कहेंगे, एनी बैंकिंग आउटसाइड ऑफ योर होम कंट्री। जब आप अपने होम कंट्री में, जैसे एसबीआई दिल्ली के बजाय मैं अगर स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा लेता हूँ, दैट इज बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ माई कंट्री, दैट इज ऑफशोर बैंकिंग। किस लिए करते हैं लोग ये, टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और द टैक्स बेनिफिट। ये इंडिया रहा, यहाँ पे मान लो मेरे को टैक्स लग रहा था 10% किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ एक कोई टैक्स हेवन बने हुए छोटे छोटे आइलैंड, ये कहते हैं जी 2% लूंगा मैं, यहाँ पैसा डाल दो, इसको बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग। या फिर मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मतलब कि जो जो बेनिफिट आपको अपने कंट्री में नहीं मिल रहे दूसरा कंट्री आपको दे रहा है, इसके लिए आप वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कर रहे हो, इसको ऑफशोर बैंकिंग कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट है टैक्स हेवन का, हालांकि बैंकिंग से थोड़ा अलग है बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। स्विस बैंक है, इनकी बात क्या है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ब्लैक मनी और शेडी मनी के लिए जनरली ये चीजें यूज की जाती है जनरली, बट लोग बिजनेस के लिए भी इसको यूज करते हैं, दैट इज नॉट इलीगल। अब चलते हैं जी, इसी से रिलेटेड एक टर्म है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। जब आपका अपना कोई कंट्री का बैंक किसी और जगह पे ब्रांच खोलता है बियॉन्ड द होम कंट्री, जैसे एसबीआई अगर लंदन के अंदर एक अकाउंट खोल ब्रांच खोल देता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ एसबीआई। ठीक है, मुझे लगता कोई डाउट है इसमें, तो चलिए अगली देखते हैं। इस्लामिक बैंकिंग एक टॉपिक बच गया है। अब देखिए इस्लामिक बैंकिंग, अगेन ये समझ जाओ यहाँ से कि कुछ रिलीजन ओरिएंटेड होगा, इस्लाम से रिलेटेड होगा। तो फाइनेंस और बैंकिंग एक्टिविटीज दैट अधेयर टू द शरिया लॉ, ठीक है, ये इनके यहाँ पे एक कानून होता है। जैसे अपने हिंदूज में एक अलग लॉज चलती हैं, वैसे ही मुस्लिम में लॉज होती हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है दैट इज कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग। अब इस्लामिक बैंकिंग के दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप ना शेयर करते हो प्रॉफिट और लॉस को, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वहां पे प्रोहिबिटेड है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर। तो भैया फिर प्रॉफिट कैसे चलेगा, बैंक चलेगा कैसे, धर्म के नाम पे बैंक तो कुछ ही दिन चल पाएगा, तो वो तो फेल हो जाएगा, बट चलते हैं कैसे। उसका सॉल्यूशन निकाला गया इक्विटी पार्टिसिपेशन, पॉइंट नंबर 1 में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो बोरोवर है ना
वो बैंक को इंटरेस्ट पे करने के बजाय एक शेयर दे देता है अपने प्रॉफिट में, और वहां से बैंक को अर्निंग्स होती हैं। अकॉर्डिंगली ये रूल बनाए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। लास्ट में अगर वन गो में एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका काम बन गया, बार बार वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है आने वाले टाइम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक कर दिया करो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई पर्सनल डाउट है आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट सेक्शन में जनरल क्वेरीज पूछ सकते हो। तैयारी से रिलेटेड बहुत सारी, मैंने अपना एग्जाम कैसे क्रैक करा था, ये सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये सारी प्लेलिस्ट में जाके इनको विजिट करो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिला हुआ है और आने वाले टाइम में भयंकर कॉन्टेंट आने वाला है इसी चैनल पर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।